पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है? चांद, चंद्रमा, चंदा मामा, मून, मून मिशन। पीढ़ियों से हम चांद तारों की कहानियां सुनते आए हैं। वो कहानियां अब पुरानी हो गई हैं। नई कहानी यह है कि पूरी दुनिया अब चंद्रयान 3 की कामयाबी की दीवानी हो गई है। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा, बस एक टूर के हैं। धरती पर जन्म लेने के बाद से ही इंसान चमकते चांद को जानने में लगा है। भारत का चंद्रयान 3 इसी मिशन का सबसे ताजा पड़ाव है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है। इसरो के चंद्रयान 3 ने उस चांद को छू लिया है जो चमकता है, जो दमकता है, जिसकी चांदनी धरती के कोने कोने में रहने वाले इंसानों को लुभाती है। वो चांद रहस्यों से भरा हुआ है। गगन में मगन होकर सदियों से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चांद कवि की कल्पनाओं में रचा बसा है। अलग अलग मजहब में चांद की अलग अलग व्याख्या मिलती है। चंद्रमा हिंदुओं की आस्था में है, चांद मुसलमानों की अकीदत में है। वही चंद्रमा दशकों से ज्ञान और विज्ञान की दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब भारत की पहुंच का डंका बज रहा है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। चांद पर इंसान का पहला पांव। चांद की सतह पर पानी की खोज और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की पहुंच। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी
मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके, नमस्कार।